दोस्तों, आप YouTube पर बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे और बड़े बड़े चैनल्स के भी देखे होंगे कि वो सिर्फ साइड सेफ मोबाइल आज इंट्रोड्यूस कर देते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि इस साइड पर काम करो, इस साइड पर काम करो, ऐसे ऐसे काम होता है। लेकिन काम करना कैसे है ये कितने लोग बताते हैं? ये कोई नहीं बताता। तो मैं यहाँ पर पीको वर्कर पर काम कैसे करना है वन बाय वन टास्क में आगे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। एक एक टास्क का आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा। इससे पहले मैं आपको माइक्रो वर्कर सीरीज पहले लेके आया था, रैपिड वर्कर का जो माइक्रो जॉब्स है उसका भी सीरीज लेके आया था। तो आज से मैंने पीको वर्कर पर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो भी नया नया जॉब्स पोस्ट होते हैं पीको वर्कर पर हो, इससे पहले रैपिड वर्कर पर, माइक्रो एम्प्लॉय पर, या फिर जो भी नया जॉब्स पोस्ट होते हैं, तो उस जॉब को भी आप कैसे करेंगे, हम आगे इससे रिलेटेड वीडियो भी लेके आएंगे। मार्केटिंग टेस्ट विजिट, तो ये काम आप कैसे करेंगे? बहुत सारे फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन था कि सब एक दो हाथ काम तो हम कर लेते हैं लेकिन इसमें हमें परेशानी होता है। तो पहला जो आज का वीडियो है इस सीरीज का, तो मार्केटिंग टेस्ट विजिट आप कैसे करोगे मैं दिखाऊंगा। और जैसे ही आप पीको वर्कर पर जॉब हिस्ट्री पर आएंगे, आप यहां पर देखिए टोटल 372 जॉब्स यहां पर अवेलेबल है। और आप जॉब का प्राइस भी दे सकते हैं, किसी किसी का $0.3 है, किसी किसी का $0.10, किसी किसी का $0.8, किसी किसी का $0.1814। तो एक एवरेज हम यहाँ पर रखते हैं कि एक जॉब पे आपको $0.06 मिलता है। तो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं, अगर आपने 372 जॉब से ओनली 352 ही जॉब्स करते हैं तो आप कितना यहाँ पर कमा सकते हैं। हम यहाँ पर टोटल जॉब्स करते हैं 350 जॉब्स और इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं $0.06। इससे है एक एवरेज ले है लेकिन इससे ज्यादा ही होगा। तो 350 इंटू 0.06 टोटल आपका होता है $21। $21 को जब हम इंडियन रूपी में कन्वर्ट करते हैं, अभी तो फिलहाल तो 72-73 के आसपास चल रहा है, हम ₹70 से ही कैलकुलेट करते हैं 21 into 70, तो ₹1470 ये होता है पर डे का इनकम। तो आप माइक्रो जॉब्स करके सिर्फ पीको वर्कर पर ही नहीं, बाकी सब पर काम करके आप डेली का ₹500 से ₹1500, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा आप कमा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप यहीं पर लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश दास और आप देख रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग मेंटर यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दें और नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन करें। दोस्तों, आपने अगर पीको वर्कर का फर्स्ट पार्ट वीडियो नहीं देखा है जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जा रहे हैं। तो कंप्लीट जानकारी आपको पीको वर्कर के बारे में वहां पर मिल जा रहे हैं कि कैसे आप यहां पर अकाउंट बनाएंगे, किस किस टाइप का यहां पर जॉब रहते हैं, और जॉब करने के बाद जो आपको पेमेंट है उससे आप कैसे विड्रॉ करेंगे, तो सभी जानकारी आपको मिल जा रहे हैं। यहां पर आप कैटेगरी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहां पर चलते हैं सर्च क्लिक ऑन एनगेज गो पर। जैसे ही जाएंगे उस मार्केटिंग टेस्ट के ऊपर जो सब जॉब से वो यहाँ पर फिल्टर होके आ जाएगा, जिस अप्लाई करना होगा यहाँ पर फिल्टर के लिए। और देखिए ये सब जॉब जो है ये ओपन होके सभी आ गया है। जॉब का प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं और सक्सेस रेट, कितने लोग इसको किए हैं, तो ये सभी तो उसी सेम टाइप के जॉब का आपको 0.04, 0.04, 0.03 ऐसे ही आपको मिल रहा है। और यही जॉब करने के लिए आपको 4-5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। अगर आप एक बार उसको सीख लोगे, पहली बार आप करोगे तो थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जो आप प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो फिलहाल एक जॉब पर हम चलते हैं और देखते हैं कि इसे हम आप कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है ये इंटरनेशनल है कि नहीं, या फिर इंडिया के लिए है कि नहीं, या फिर जो आप कंट्री पर रहते हैं ये जो काम है आपका कंट्री के लिए सूटेबल है कि नहीं, सबसे पहले आपको ये देख लेना है। सिर्फ यही जॉब नहीं, जो भी जॉब पर आप जाते हैं, तो यहाँ पर जॉब आईडी और जो क्लाइंट है वो कितने दिन से, तो वगैरह वगैरह सब कुछ आप दे सकते हैं। तो जर चलते हैं नीचे, देखते हैं कि इस जॉब को आप कैसे कर पाओगे। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर वर्कर, आप इसे
कैसे करेंगे आप देख सकते हो। तो ये जो लिंक है आपको गो टू दिस लिंक, ये लिंक पे आपको जाना है, ब्राउज करना है आपको 8 पेजेस और पोस्ट पेजेस या फिर पोस्ट, 8 पेजेस या फिर पोस्ट को आपको ब्राउज करना है और जो ऐड आपको मिलेंगे उस वेबसाइट पर एक ऐड को आपको क्लिक करना है। क्लिक एनी वन ऐड एंड ब्राउज 2 पेजेस इनसाइड 8th पेज। आपको एक ऐड क्लिक करना होता है जो साइट पर वो ट्रांसफर करेगा, वहां पर आपको 2 पेजेस विजिट करना होता है। आप अगर कोई प्रॉक्सी या फिर वीपीएन यूज करते हैं तो यहाँ पर वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप जो टास्क करेंगे उसका प्रूफ भी आपको देना होता है पेमेंट लेने के लिए। लास्ट 3 वेबसाइट URL यू विजिटेड, आपने जो 8 वेब पेज विजिट किए हैं उसका लास्ट 3 जो वेबसाइट है उसका URL आपको यहां पर देना है। 2 जो ऐड आपने क्लिक किया है उसका URL आपको यहां पर देना है और प्रूफ के चलते आपको यहां पर लास्ट 3 वेबसाइट URL यहां पर आपको टाइप करना है प्रूफ के लिए। और आप स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं जो आपने विजिट किया हुआ था, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे करके भी दिखाऊंगा। क्लिक्ड एडवर्टाइजमेंट URL इनसाइड ऐड पे दो, आपने ऐड का पेज विजिट किया उसका लिंक आपको यहां पर देना है और फाइल आप यहां पर अपलोड करना है। बस इतना सा ही काम है, फिर आपको सबमिट प्रूफ कर देना है। फिर चलते हैं दिखाते हैं कि ये काम को आपको कैसे करना है। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर मार्कर के अंदर, ये जो लिंक है सबसे पहले आपको उस लिंक पर जाना है और ये इस तरह आपको सिलेक्ट करना है उस लिंक को और राइट क्लिक करके आपको कॉपी करना है। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हो तो मोबाइल पर भी इस काम को आप कर सकते हैं। लिंक को कॉपी करके आपको नया टैब ओपन कर लेना है। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हो तो डेस्कटॉप मोड पे जाके क्रोम ब्राउजर पे आप कर सकते हो और एक नया टैब ओपन करके आप पेस्ट करके एंटर कर सकते हो, नहीं तो आप पेस्ट करके डायरेक्ट गो भी कर सकते हो मोबाइल पर। जैसे ही गो करेंगे आपको नीचे वेबसाइट मिल जाएंगे, examinationbd.blogspot.com। नीचे ये जितने भी आपको लिंक्स मिलेंगे सभी उसी एक ही साइट का लिंक है। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ सिलेक्ट करके, ये जो लिंक है एग्जामिनेशन बीडी का और यहाँ पर भी वही एग्जामिनेशन बीडी का। फिलहाल यहाँ पर जो पोस्ट है वो सब अलग अलग है। आपको क्या बताया गया कि आपको 8 पोस्ट विजिट करना है। यहाँ पर तो सर्च में आपको उसी एक ही वेबसाइट का सभी आपको पोस्ट मिल जा रहे हैं, लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि जब भी आप लिंक पेस्ट करते हैं इसी टाइप का जॉब पे तो आपको पहला 1-2 पर ही साइट दिखेगा, बाकी सब सर्च पे कुछ दूसरे साइट भी आ सकते हैं। तब आपको क्या करना है, पहला जो आपको 1-2 लिंक मिलता है उसी लिंक पर जाके साइट पर जाके उसी साइट पर आपको अलग अलग पोस्ट या फिर पेजेस विजिट करना होता है, ठीक है। तो हमने इसे ओपन कर दिए और वो नया टैब पर ओपन हो रहा है एक पोस्ट। फिर हमने और एक पोस्ट ओपन करते हैं, जब भी आप ओपन करेंगे कंप्लीट ओपन होने के बाद और एक पोस्ट आप ओपन कीजिए, ओके। तो यहां से डायरेक्टली 1 by 1 नीचे जाके आप इसे ओपन कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, अगर आपको 1 by 1 नीचे उसी एक ही साइट का नहीं मिल रहा है तो आपको मैनुअली इस साइट पर जाके यहां पर जो आपको पेजेस मिल रहा है आप जाके विजिट करना है, ओके। हमारा 3-6 अभी हो गया है, फिलहाल यहां से भी हम एक हाथ क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 8 से भी ज्यादा हो गया है, फिलहाल यहां से भी और एक ले लेते हैं। ये मैंने आपको फटाफट करके दिखा दिया, लेकिन आपको 1 by 1 पेज विजिट करना है कंप्लीट ओपन होने के बाद, फिर आपको और एक पेज ओपन करना है। बाकी लास्ट 3 पेजेस या फिर पोस्ट का जो लिंक है हमें देना होता है, तो लिंक को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करके फिर माइक्रो वर्कर पर आते हैं और नीचे यहाँ पर हम 1 by 1 इस उस लिंक को पेस्ट करते हैं। एक लिंक पेस्ट हो गया, फिर एंटर करते हैं, नीचे और एक लिंक भी पेस्ट करेंगे। तो इस लिंक को हम यहाँ पर कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पर पेस्ट करते हैं और एक लिंक हम यहाँ पर कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, ओके। ये हो गया। तो यहाँ पर ये जो ऐड मिल रहा है ये एक ऐड है, आपको आसानी से दिख जाएगा, ये एक ऐड है और ये भी एक ऐड है। अभी बात आते हैं कि वेबसाइट पर
आपको आर कहां पर मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो ऊपर मिल जा रहेगा आपको, नहीं तो आपको राइट साइड पर मिल जाएगा, और कई कई बार वेबसाइट पर आपको बीच में भी आर मिल जाएगा। तो फिलहाल इसी साइड पर ऊपर मिल जा रहे हैं, तो उस आर को हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक नया टैब पर ओपन हो जाएगा, फिर हमें उस आर पर जाके दो पेज विजिट करना होता है। यहाँ पर जो आर आपने क्लिक किए वो ओपन हो गया। ओपन होने के बाद तुरंत ही आपको उस लिंक को कॉपी करना है, कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना है सेकंड बॉक्स पर, यहाँ पर जो दे रहा है क्लिक द एडवर्टाइजमेंट यूआरएल इनसाइड आर पेज लिंक। ओके, तो यहाँ पर पेस्ट करना है लिंक को, और आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर करना है। ये जो आर ओपन हुआ है इसका कोई भी पेज या फिर पोस्ट ऊपर नहीं है, शायद नीचे भी मिल सकता है, और यहाँ पर देखिए नीचे भी नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर हम कुछ जो टर्म्स ऑफ सर्विस है, एफएक्यू है, इससे हम ओपन कर लेते हैं नया टैब पर। ये जो टर्म्स ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी आर का ऊपर ही आते हैं ना, तो ये भी आर साइड देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। फिलहाल वो लॉगिन पेज पर ट्रांसफर कर दिया था उसी आर का, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तो कोई भी दो पेजेस यहाँ पर विजिट कर लेना होता है। तो फिलहाल इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो प्रिंट स्क्रीन पर जाके, और आप मोबाइल पर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर पर कर रहे हैं, आपको कीबोर्ड पर PRTSC नाम का की मिल जाएगा, वो उसको प्रेस करना है। प्रेस करके आपको कंप्यूटर में से MS पेंट ओपन कर लेना है, फिर आपको कंट्रोल वी करना है यानी पेस्ट करना है। बस इससे ऐसे ही आपको रखना है, कुछ भी एडिट वगैरह नहीं करना है। इसे हम क्लोज करते हैं, और क्लोज जैसे ही करेंगे ये सेव आ जाएगा, नहीं तो क्लोज करने से पहले भी आप इसे सेव कर सकते हैं। और सेव करके आप यहाँ पर एक नाम भी रख सकते हैं, PicoWork 1, इसे हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पर ले लेते हैं। नहीं तो आप एक अलग सा फाइल भी बना सकते हैं, जो आप PicoWorker पर काम करेंगे डेट के रिगार्डिंग आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। ओके, तो उसी जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर अपलोड करना है, तो ऊपर और एक स्क्रीनशॉट भी अपलोड करना है, जो साइट आपने विजिट किया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो स्क्रीनशॉट आपने सेव किया हुआ है चूज फाइल पे जाके अपलोड करना है। देखिए यहाँ पर मिल गया PicoWork 1, और इसे हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। बस ये अपलोड हो गया। ये जो लास्ट 3 पेज है इसका स्क्रीनशॉट आपने तो ले सकते हैं, लेकिन एक पेज पर रखने के लिए आपको यहाँ पर एडिट करना होता है। तो बिना एडिट का आपको प्रूफ देने के लिए आप हिस्ट्री पर जाइए, ब्राउजर हिस्ट्री पर, और हिस्ट्री पर आपको यहाँ पर नीचे लास्ट 3 मिल जाएगा, उसके साथ साथ सभी आपको मिल जाएंगे। आपको सिंपली इसको प्रिंट स्क्रीन करना है। जैसे आपने पहला स्क्रीनशॉट लिए थे, प्रिंट करके इसको ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट पेंट पर, आपको इसे कंट्रोल वी करना है, फिर आपको इसे सेव करना है, यहाँ पर चूज फाइल करके उस स्क्रीनशॉट को अपलोड करना है। सबमिट और प्रूफ के अंदर मैंने आपको दो तरीका दिखा दिया है कि लिंक्स आप कैसे यहाँ पर दे सकते हैं प्रूफ के लिए, और आप स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट का प्रूफ कैसे दे सकते हैं। दोनों तरीका दिखाया, दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर देना है, एक देके आपको सबमिट करना होता है नीचे। अगर आप दोनों के दोनों देंगे तो यहाँ पर वो नहीं लेगा। अगर आपको लिंक देना है तो लिंक दीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट देना है तो स्क्रीनशॉट दीजिए, और ये कंप्लीट होने के बाद आपको सबमिट प्रूफ कर देना है। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि इसी तरह का जो काम होते हैं आगे जितने भी आएंगे, वहां पर अगर आपको लिंक्स के साथ साथ स्क्रीनशॉट भी मांगेगा तो इसी तरह आपको स्क्रीनशॉट भी देना होगा। इसीलिए मैंने आपको सभी स्टेप्स एक ही वीडियो पे दिखा दिया। इसी तरह आपको देना है और सबमिट प्रूफ कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर प्रूफ सबमिट करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा योर टास्क वाज सबमिटेड सक्सेसफुली 1 सेकंड एगो, एंड यहाँ पर 00 दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम लगता है रेट करने पे आपको टास्क को और पैसा आपके पास आने के लिए। यहाँ पर जो टाइम लगता है वो 7 डेज लगता है, आप यहाँ पर दे सकते हो। इसी तरह का जो मार्केटिंग टेस्ट विजिट का काम है, 1 बाय 1 आप
आपको करना है। यहाँ पर जो शॉर्ट्स प्लस मार्केटिंग टेस्ट विजिट है जिसका अमाउंट $0.05 है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। गो टू google.com, google.com पर आपको जाना है, तो इस तरह कॉपी करके, नहीं तो डायरेक्ट गो टू यहाँ पर जा सकते हैं। जाके आपको add any type as it is as shown in the screenshot below आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर ये जो स्क्रीनशॉट मिल रहा है, आपको ये स्क्रीनशॉट पर जाना है और स्क्रीनशॉट पर जो आपको लिखा मिलेगा उसको हूबहू आपको टाइप करना है गूगल पर। देखिए सेल्फ हेल्प बुक्स, तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर गूगल को आपको हूबहू टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद नाउ क्लिक ऑन द लिंक आज शोन इन द स्क्रीनशॉट, तो ये स्क्रीनशॉट आपको विजिट करना है। स्क्रीनशॉट पे आपको मिल रहा है कि गूगल पे सर्च करने के बाद ये जो ऊपर दो लिंक मिलेंगे उसी दो लिंक पर आपको जाना है। तो स्क्रीनशॉट पे आपको मिल जा रहे हैं कैसे कैसे करना है। तो बाकी नाउ गो टू द होम पेज, उसी साइट पर आपको होम पेज पर जाना है। जैसे हमारे चैनल यहाँ पर ओपन हुआ है, इसका अगर होम पेज पर जाएंगे तो सिर्फ youtube.com रहेगा, बाकी स्लैश के बाद जितने भी लिंक से उसको हटा देंगे, हटा के हमने एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर कर देंगे सिर्फ youtube.com यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ये ही है होम पेज। तो जो भी साइट पर जाएंगे, जिस भी साइट पर आप जाएंगे, साइट का जो डोमेन नेम है .com, उसके बाद स्लैश पे साथ जो लिंक शुरू होता है सभी लिंक्स को आपको हटा देना है, फिर आपको होम पेज मिल जाएगा। रैंडमली ओपन 10 पोस्ट ऑन द न्यू टैब, वेट फॉर 1 मिनट ऑन द होल, तो आपको 10 पोस्ट आपको भीड़ करना है और आपको 1 मिनट के लिए वेट करना है। तो 1 by 1 आपको पोस्ट ओपन करना है। स्क्रॉल डाउन एवरी पोस्ट, टाइम विल बी ट्रैक, टाइम भी यहाँ पर ट्रैक होता है। तो एक पोस्ट पर आपको 1 मिनट जरूर रहना है और सारे पोस्ट पर आपको स्क्रॉल नीचे करना है, 1 by 1 विजिट करना है और 1 मिनट रहना है। रहने के टाइम आपको स्क्रॉल करते रहना है नीचे की तरफ। क्लिक ऑन द ऑडिबल बैनर ऑन द राइट साइड, और वेबसाइट पर राइट साइड पर जो आपको बैनर मिलेगा उसी बैनर पर आपको क्लिक करना है। जो ऐड होता है, आपको ऊपर क्रॉस मार्क का एक सिंबल मिल जाता है, उसी ऐड पर आपको क्लिक करना है, क्रॉस पर क्लिक नहीं करना है। रिक्वायर्ड प्रूफ, प्रूफ के लिए आपने जो URL विजिट किया है उनमें से 2 URL आपको यहाँ पर देना है। जो ऐड आपने क्लिक किए है उसी ऐड का URL आपको यहाँ पर देना है। स्क्रीनशॉट ऑफ द क्लिक्ड एडवर्टाइजमेंट, जो ऐड आपने क्लिक किया उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर देना है। तो स्क्रीनशॉट आपको कैसे लेना है, स्क्रीनशॉट आपको कैसे अपलोड करना है मैंने ऑलरेडी बता चुका है। तो इसी काम को उसी तरीके से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का इस वीडियो पसंद आया होगा। डेफिनेटली दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट भी बनाए रखें हमारे साथ। मिलते हैं हम आगे और एक वीडियो पे।